सरकार जो पांच सौ करोड़ खर्चा कर रही है अगर बक्सर जिला में दो फैक्ट्री खुल जाता हर जाति को कोई भी जाति हो गरीब होता जाकर नौकरी करता दस बीस हजार रुपए महीना कमाता कहे के दिल्ली या बॉम्बे हरियाणा लुधियाना जाके कमाता किस जाति से है चमार है किस जाती से है? चमार है। सब लोग चमारी हैं क्या इस है साइड जाति जनगणना से आपको दिक्कत है कि लाभ है अभी जाति जनगणना की बात हो रही है तो फिर रोजगार की बात आप रोजगार देखिए जनगणना से तो इन लोग का दिमाग में बैठा कि जनगणना हो तो नौकरी मिलेगा पद मिलेगा ये मिलेगा फलाना मिलेगा ढिमकाना मिलेगा मिलने वाला कुछ नहीं है सर जाति जनगणना विकास ये भी विकास का, का, का काम है वही से जिसका जितना हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी अभी बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत पंद्रह तारीख से होने वाली है और अलग अलग लोगों से हम लोग जानेंगे कि उनकी जाति क्या है और किस जाति से संबंध रखते हैं क्योंकि सरकार भी इसपे बहुत सारे पैसे अर्थात 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे क्या लग रहा है क्या भैया किस जाति से है चमार है किस जाति से है चमार है चमार सब लोग चमारी हैं क्या इस साइड में किस जाति से है? हम श्रीवास्तव हैं। श्रीवास्तव है, किस जाति से चमार मतलब अधिकांश लोग लगभग हम चमटोली में आ चुके हैं नहीं कह सकते हैं ना कि चमटोली में आ चुके हैं चलिए इनसे हम थोड़ा सा जानते हैं कि क्या जाती जनगणना से आम लोगों को फायदा होने वाला है जातीय जनगणना से आम लोगों को बहुत फायदा है कैसे लग रहा है पाँच करोड़ रूपये सरकार खर्च कर रही है तो क्या पाँच सौ करोड़ रुपए को अन्य जगह पे खर्च करके कोई विशेष विकास का काम किया जा सकता था कि यह भी तो एक विकास का काम है जिसका जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी तो हिस्सेदारी और भागीदारी तो आप अपने से भी कर सकते कैसे थे? कर सकते हैं है हाँ, नहीं कर सकते थे न पूरा बड़का बड़का मुड़ी लेकर बैठा है ऊपर से ऊपर से नीचे तक तो हम लोग को कहा मिलता है कुछ बोलने का और करने का तो मतलब क्या लग रहा है जाति जनगणना से कुछ फायदा होने वाला है फायदा तो ये है कैसे फायदा होगा किस तरीके से फायदा फायदा बता दीजिए ये है कि हम अपना अधिकार जानेंगे कि हम कितना है जितना जनसंख्या रहेगा उसके हिसाब से हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे सरकार से मैंने पहले संख्या जानेंगे और क्या फिर लड़ाई उसके आगे और क्या बिना संख्या के आधार पर आप लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं अच्छा मान लीजिए संख्या और जाकर सरकार में बैठे हुए हैं और नब्बे को जो घास काट रहा है घूम रहा है इधर उधर बेरोजगार है नब्बे मतलब आम जनता को कह रहे हैं तो वाले जो स्वर्ण लोग हैं उनको कह रहे हैं स्वर्ण हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं जो जातीय जनगणना हो जाएगी आज से नहीं बहुत पहले से ही हो रहा है कि जातीय जनगणना होना जरूरी है अगर हो जाएगा तो जिसका जितना हिस्सेदारी है उसको उतना भागीदारी मिलेगा ये बताइए जातीय जनगणना करा कौन रहा है बिहार सरकार करा रही है पूरा हम तो चाहते हैं कि पूरा भारत स्तर पर जनगणना हो तो इससे आम जनता को फायदा होगा बहुत फायदा है आपको लग रहा है फायदा होगा जाति जनगणना देखिए सरकार से मेरा दो अनुरोध है कि जाति जनगणना छोड़कर अगर सरकार जो आर्थिक है आर्थिक स्थिति लोगों का है हर जाति में गरीब है तो जानते हैं चाहे कोई भी जाति लोग लाला भुनिहार चमार दुसाद डोम पसवान जादो हर जाति में गरीब है ऐसा है ना प्रॉब्लम हाँ, हर जाति में गरीब तो हर जाति में गरीब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार के पास देखिए आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड सब जमा है सरकार के पास कौन कितना रखा है उस सिचुएशन के हिसाब से अगर सरकार जनगणना करती हर जिसके घर में राशन कार्ड नहीं उससे राशन कार्ड दिलवाती क्या बोलते हैं पीला कार्ड चल रहा है तरह तरह के स्मार्ट कार्ड चल रहे इसका अगर योजना देती कितना अच्छा था और जाति जनगणना से आपको दिक्कत है कि लाभ है देखिए हमको तो दिक्कत नहीं है लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं ना इस चीज पे सरकार अगर फोकस करती तो बहुत अच्छा बहुत बेहतर होता क्या कह रहे है बात समझ में आ रही है आपको बात समझ में आ रहा है या, आर्थिक ले, आर्थिक लेकिन ले इनको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ। दो हज़ार ग्यारह में जो आर्थिक जनगणना हुई थी हाँ। उसको भी इनको पता होना चाहिए कि क्या हुआ क्या लाभ नहीं मिल रहा है मिल रहा है अब इनको व्यक्तिगत नहीं मिले तो इनका प्रॉब्लम है लेकिन लाभ मिल रहा है दस परसेंट जब ई डब्ल्यू एस जो लगाया है सरकार तो वो भी उसमें भी जो है जो बोले कि आर्थिक कमजोर है उसको मिलना चाहिए तो मिल रहा है उसको भी मिल रहा है इसलिए कि जब हम हम एस सी हैं लेकिन हमको पैंतालीस पचास पे, 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 पे मेरिट बन रहा है लेकिन ई डब्ल्यू एस वाले का उनतालीस पे उनतीस पे अट्ठाइस पे मेरिट बन रहा है कहीं नहीं सोच रहे हैं अच्छा मान के चलिए कि आपका जाति की जनगणना हो गई आपकी संख्या पता चल जाएगी आरक्षण मिलेगा आपको अधिकार मिलेगा आरक्षण तो मिल ही रहा है लेकिन हमारे पास पहुँचते पहुँचते वहाँ से सौ परसेंट चलता है यहाँ से आकर के हमको पाँच परसेंट मिलता है लेकिन हम जब घपला हो जाए घपला बहुत होता है लेकिन वही घपला के लिए हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो जातीय जनगणना जब हो जाएगा तो हम हम लोग को जानकारी हो जाएगा हम इतने हैं तो उसके हिसाब से हम लोग लड़ेंगे सरकार से अपना दवा करेंगे जनसंख्या पता चलेगा तभी तो लड़ाई जारी रहेगी आज से लड़ने से फैक्ट्री बक्सर में खुल जाएगी जो चीनी मिल बक्सर में बंद फिर से चालू हो जाएगी अब जवाब दीजिए आप लोग अच्छा अभी जाति जनगणना की बात तो फिर रोजगार की बात आप रोजगार देखिए जनगणना से तो इन लोग का दिमाग में बैठा ना कि जनगणना हो तो नौकरी मिलेगा पद मिलेगा ये मिलेगा फलाना मिलेगा ढिमकाना मिलेगा मिलने वाला कुछ नहीं है सरकार हम लोग को नचा रही है लट्टू होता है ना लट्टू में गुआ बना होता है और रस्सी लपेटते हैं फेंकते हैं फिर नचाते हैं कभी कभी वो लपटा जाता है तो नहीं नाचता फिर लेकिन दोबारा नचाता है लोग तो हम लोग उसी लट्टू के नोक पर नाच रहे हैं जैसे हमको लोग सरकार न चाहिए उससे नाच रहे हैं लेकिन ये नहीं पता है कि उसमें एक चौक क्या है गुआ है अगर गलती से कहीं इधर उधर गया तो पैर फाड़ देगा अभी सिचुएशन यही है आप लोग समझ नहीं हैं गोल गोल लट्टू की तरह नाच रहे हैं जिसमें उसमें क्या चुनाव का प्रेपोगंडा जी हाँ वो तो कटिया है ना है। कब अभी दिख नाचे नाचे जब इधर उधर कहीं गलत निशाने पे लगेगा तो, तो पैर फाड़ेगा या तो आंख में धस तो कुछ जरूर हानि करेगा मान हानि करेगा सरकार जो पाँच सौ करोड़ इस पर खर्चा कर रही है अगर बक्सर जिला में दो गो फैक्ट्री खुल जाता हर जाति को कोई भी जाति हो गरीब होता जा नौकरी करता दस बीस हजार रुपये महीना कमाता कहे कि दिल्ली या बम्बे हरियाणा लुधियाना जाके कमाता हाँ जो जो बहुत सारे लोग है जाके गेहूँ काटते हैं क्यों काटते हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं है बक्सर जिला में कोई फैक्ट्री नहीं है पटना हैं कि रोजगार नहीं मिल जाएगा क्या रोजगार मिल जाएगा इस चीज़ से इस से

पता चले कि चालीस रुपये किलो कतरनी चाउर हो गया और तीस रुपए किलो आटा बिका पैंतीस छत्तीस तक आटा गया ये कि किसकी देने